बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कभी तुम्हें आसमान से मशक्क़त के साथ बड़ी जल्दी और फौरन भी ज़मीन पर उतरना पड़ा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, चार मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे फिलफौर बड़ी सिरत के साथ ज़मीन पर उतरना पड़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो चार मरतबा किस मौका पर? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, एक तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्श इलाही के नीचे था। मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राइल खलील के आग में पहुंचने से पहले पहले फौरन मेरे खलील के पास पहुंचो। चुनाचे मैं बड़ी सिरत के साथ फौरन खलील के पास पहुंचा। दूसरी बार जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन अत्थर पर छुरी रख दी गई तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंचूं और छुरी को उल्टा दूँ। चुनाचे मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंच गया और छुरी को चलने ना दिया। तीसरी मरतबा जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की तह तक पहुंचने से पहले ज़मीन पर पहुंचूं और कुएं से एक पत्थर निकाल कर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस पत्थर पर बा आराम बिठा दूं। चुनाचे मैंने ऐसे ही किया। और चौथी मरतबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफरों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद किया तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं फौरन ज़मीन पर पहुंचूं और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक का खून ज़मीन पर ना गिरने दूं, और ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो खून मुबारक अपने हाथों में ले लूँ। या रसूलल्लाह, खुदा ने मुझे फरमाया था, जिब्राइल, अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खून ज़मीन पर गिर गया, क़यामत तक ज़मीन में से ना कोई सब्ज़ी उगेगी और ना ही कोई दरख्त। चुनाचे मैं बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन पर पहुंचा और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को अपने हाथ में ले लिया।